बल्कि इनके अलावा और भी कहीं देखा, मगर अफसोस फिर भी अपना काम ना निकला। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ। हमसे तो महात्मा जटायु ही अच्छे थे, जो मित्रता निभा गए और इन जगनों से हमेशा के लिए छुटकारा पा गए। इधर ढूंढते ढूंढते हमारे पांव में शाले पड़ गए और जान के लाले पड़ गए। मेरा तो यहां तक ख्याल है, हमारा अपने काम में सफलता पाना सख्त महाल है। तो आप बस इतने से कष्ट से घबरा गए? और इस मुंह मामूली से सफर से घबरा गए? इसमें कोई शक नहीं कि आपको सफर में कष्ट हुआ होगा, मगर अभी तो लड़का बहुत दूर है। थोड़ी सी तलाश से कामयाबी की उम्मीद रखना सख्त मुहाल है। दरअसल लंका ही हमारी मंजिले मकसूद है। समर्पण पर कायल है, हम तो उनकी वीरता के भी कायल है। उन्होंने अपने नाम पर धब्बा न आने दिया और अपने जीते जी सीता जी को न जाने दिया। भाई, ये तुम्हारी कोई मजारी सी बात है? मजारी सी तुम्हारी कोई मुलाकात है? इसको एक एक बात बताना ठीक नहीं होगा। कहीं ये रावण का दूत ना हो। महात्मन, आपका क्या नाम है और जटायु का हाल व्याप्त करने का क्या परिणाम है? मेरा नाम समाती है। मुझे तुम्हारी बातों से असहमत नजर आती है। आपने अपनी बातों में जटायु का नाम लिया, जिसने मेरे लिए अमृत का काम किया। क्या कहूँ, ना कुछ कहा जाता है और ना कहे बिना रहा जाता है। अफसोस, आपका बाजू टूट गया। कहा, क्या कहा? आपकी यह बात सुनकर कलेजा साफ हो गया। क्या सचमुच मेरे भाई का पक्षपात हो गया? महाराज दशरथ के दोनों पुत्र श्री राम व लक्ष्मण सीता जी के समेत
14 वर्षों के लिए वन में आए थे। एक दिन दुष्ट रावण उनको धोखा देकर सीता जी को पंचवटी से चुरा कर ले गया और सीता जी को बचाते बचाते जटायु जी मारे गए। अब उन्हीं की खोज में हम लोग भागे भागे फिर रहे हैं, मगर ना तो कुछ पता चलता है। हमने बहुत तलाश किया। ओहो भाई, ये कौन से जन्म का पाप आगे आया जो अंत समय में भी ना मिल पाया। तुम तो अपना फर्ज नवाब है। ओ मेरा रावण महापापी, तुम्हें बूढ़े जटायु पर वार करते शर्म नहीं आई? बेशक तुम्हें अपने पापों का बदला मिलने वाला है और तेरा जनाजा मिटने वाला है। भाई का बदला लेने की आपको कोई जरूरत नहीं और अब रावण के बचने की भी कोई सूरत नहीं। रामचंद्र जी को केवल हमारा इंतजार है और फिर रावण का सर और उनकी तलवार है। आप बस इतनी कृपा कीजिए, अगर आपको कुछ सीता जी की खबर हो तो बता दीजिए। ये तुम्हारी भूल है। इन स्थानों पर ढूंढना लोग हैं। अगर अपनी कामगिरी चाहते हो तो लंका में जाओ और इधर उधर भक्त ना दुआओ। सीता तो लंका में ही कैद है। अगरचे हम लोगों ने हर जगह खोज लिया मगर सबका लंका में जाना सख्त मुहाल है। इसलिए आप राजकुमार अंगद समेत यहीं रुकिए और मुझे लंका जाने की आज्ञा दीजिए। बहुत अच्छा है। अगर आपका यही इरादा है तो आप देर लगाना बेफायदा है। जहां तक हो सके जल्दी आने की कोशिश करें। बोल सियामती रामचंद्र की।